Glasgow Commonwealth Games 2014. बीसवें राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2014 संपन्न हो गए हैं। नई कहानियों को जन्म दे, इतिहास की नई इबारतें गढ़, मानव ऊर्जा के नए शिखर देख, गेम्स रिकॉर्डों की झड़ी लगा। खेल और संस्कृति देश और व्यक्ति के जीवन को संवारने का सबसे सटीक माध्यम है। इस कहावत को चरितार्थ करते ग्लासगो 2014 के संपूर्ण आयोजन पर नजर डालें तो मन से एक ही बात निकलेगी, खेलों की जय हो, खिलाड़ियों की जय हो, खेल भावना की जय हो और ग्लासगो की जय हो। जुलाई को करीब 125 साल पुराने सेल्टिक पार्क स्टेडियम में एक अविस्मरणीय उद्घाटन समारोह के साथ पहली सांस भरी थी 20वें राष्ट्रमंडल खेलों ने। अगले 12 दिन अलग अलग खेलों में खिलाड़ी अपना दम दिखाने में जुटे रहे, आगे बढ़ने की मशक्कत में लगे रहे, अव्वल रहने के लिए प्रतिस्पर्धा के स्तर को नई ऊंचाइयां देते रहे और अब विदा की घड़ी है। अलग देश, अलग रंग, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग आचार विचार के लोगों को एक डोर अपना बनाए हुए थी, एक किए हुए थी खेलों के सद्भाव की डोर, गलाकाट प्रतिस्पर्धा लेकिन मन में परस्पर आदर रखते हुए। 71 देशों के लोग यहाँ एक परिवार थे, साझा सुख दुख, साझी छत, साझी विरासत, राष्ट्रमंडल परिवार की विरासत। एक ऐसी समृद्ध परंपरा जिसका 20वां संस्करण ग्लासगो 2014 संसार की तीसरी सबसे बड़ी खेल धारा में नए पड़ाव जोड़ गया, नए अध्याय लिख गया है। कुल मिलाकर 61 नए गेम्स रिकॉर्ड बने, भारतीय खिलाड़ियों ने भी 4 बार पुराने रिकॉर्डों की सीमाएं फलांगी। अब लोग जुटे हैं वापसी की तैयारी में, कुछ बोझिल मन के साथ कि ये हसीन पल अब खत्म होने को हैं। विछोह का दुख, जुदाई का गम, लेकिन नए संबंध भी तो यहीं पनपे। पुरानी दोस्तियां एक बार फिर ताजा होंगी, प्रतिस्पर्धा की पुरानी दास्तानों ने नई करवटें ली। जीते तो खुशी के आंसू, हारे तो निराशा के गोते, लेकिन हर जगह हर वक्त आपके मनोभाव शेयर करने के लिए ढेर सारे कंधे मौजूद। ये मौका इस बात का भी है कि हम इन दिनों को एक बार फिर जिएं, चर्चा करें, आंकें कि करीब 225 खिलाड़ियों की भारतीय टीम ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। शुरुआत करते हैं निशानेबाजों की बंदूकों से निकली अचूक गोलियों की। शूटिंग हमेशा पदक दिलाती है, इस बार भी दिलाए। हालांकि स्पर्धाएं कम थी तो जाहिर है पदक भी कम होने थे, और ये निशाना साधा है हमारे साथी शिबू जॉर्ज ने। 25 से 29 जुलाई तक बैरी बडन शूटिंग सेंटर पर चले निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में एक बार फिर भारतीय निशानेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुल 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बार शूटिंग में बहुत सारी प्रतियोगिताओं को शामिल नहीं किया गया था, जिसका सीधा असर भारतीय पदकों की संख्या पर पड़ा। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के 36 स्वर्ण पदकों के मुकाबले इस बार शूटिंग में सिर्फ 19 स्वर्ण पदक ही दांव पर थे। इस बार एक भी युगल मुकाबले को शामिल नहीं किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के 18 युगल मुकाबलों में भारतीय जोड़ियों ने कुल 14 पदक जीते थे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने शुरुआत 10 मीटर एयर पिस्टल में मलाइका गोयल के रजत पदक से की, पर स्वर्ण पदक के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपने स्वर्ण पदकों की संख्या 4 तक पहुंचा दी। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला और आयोनिका पाल ने भारत को स्वर्ण और रजत पदक दिलाया। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में क्वालिफिकेशन दौर में पहले स्थान पर रहने वाले प्रकाश नंजप्पा अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाए और उन्हें रजत पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में भारतीय दबदबा रहा और स्वर्ण पदक के लिए दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली राही सरनोबत ने अपनी साथी अनीसा सैयद को हराया। पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल में भी कहानी कमोबेश वही रही। सेना के जीतू राय ने नए फाइनल्स गेम्स रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रमंडल खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और गुरपाल सिंह ने रजत पदक के रूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, पर हरप्रीत सिंह ने तनाव से भरे शूटआउट में भारत को रजत पदक दिलाया। पहली बार भाग ले रहे 50 मीटर राइफल प्रो में रजत पदक जीतकर गगन नारंग ने अपने राष्ट्रमंडल पदकों की संख्या 9 तक पहुंचा दी, पर जसपाल राणा के 9 स्वर्ण पदकों की बराबरी से वे चूक गए। पुरुषों के राइफल 3 पोजीशन में गगन नारंग अपने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्णिम प्रदर्शन को नहीं दोहरा सके और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। संजीव राजपूत ने इस इवेंट का रजत पदक जीता।
महिलाओं के डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने जहां भारत की पदक तालिका में एक रजत पदक जोड़ा, वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में असब मोहम्मद ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में लज्जा गोस्वामी कांस्य पदक जीतने में सफल रही। दो बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के माइकल डायमंड को हराकर मानवजीत सिंह संधू ने पुरुषों के ट्रैप में कांस्य पदक जीता। कुश्ती में भारत अब स्टार पैदा कर रहा है। गांव के अखाड़े से ओलंपिक के गद्दे तक पहलवानी में भारत के पैर लगातार मजबूत हो रहे हैं। पदकों की महिमा का बखान महेंद्र सिंह लालस से। कनाडा, भारत और नाइजीरिया के पहलवानों का इन राष्ट्रमंडल खेलों में दबदबा रहा। कनाडाई पहलवानों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। वहीं भारतीय पहलवानों ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारत के लिए अमित कुमार ने 57 किलो वर्ग में पहला सोने का तमगा जीता। बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है। पहली बार में कौन मेडल लेटा था तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि इंडिया के लिए कुछ किया। योगेश्वर दत्त ने 65 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन लोगों का इतना प्यार हमारे प्रति है, पहलवानों के प्रति इतनी दुआएं हैं, हमें विश्वास था कि हम अच्छा करेंगे और हमने अच्छा किया। अपनी जीत के बाद ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। और हमारे देश के यहाँ बहुत लोग थे और वो फीलिंग जो दिल्ली में 2010 में थी वही अब, और मेरे कोचिज ने बहुत मेहनत कर रखी थी इसलिए आप देख रहे हैं कि वन साइड हमने मुकाबला जीता। महिला वर्ग में बबीता कुमारी ने 55 किलो वर्ग में और विनेश ने 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। विनेश, पिछले तो कॉमनवेल्थ खत्म हुआ था तभी से मतलब टारगेट दिल में था कि हाँ नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में मेरे को पार्टिसिपेट करना है। कंटिन्यू 6 या 7 महीने से मैं सिर्फ इसी टारगेट को बना के प्रैक्टिस करी थी। उठाओ उठाओ और उठाओ, जितना उठाओगे उतना ऊपर जाओगे। पिछले कई खेलों से भारतीय भारोत्तोलक पदकों का भार उठाने में खुद को सक्षम साबित करते रहे हैं। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनकी कहानी रजत सेन गुप्ता से। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में ग्लासगो के क्लाइड ऑडिटोरियम का 2 फ्लोर वाला हॉल पिछले 24 से 29 जुलाई तक पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग भार वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिताएं देखने आए हजारों दर्शकों की मौजूदगी से पूरी तरह सरगर्म रहा। भारोत्तोलन की इन प्रतियोगिताओं में भारत ने इस बार कुश्ती, मुक्केबाजी और निशानेबाजी की तरह काफी संख्या में पदक हासिल किए। इसमें अलग अलग वर्गों में भारत ने कुल मिलाकर 12 पदक हासिल किए, जिनमें 5 कांस्य, 4 रजत और 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। कांस्य पदक जीतने वाले रहे हैं गणेश माली, स्वाति सिंह, ओमकार ओटारी, पूनम यादव और चंद्रकांत माली, जिनमें भारत की ओर से स्वाति सिंह ने स्नैच में 83 किलोग्राम भार उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। भारोत्तोलन में जिन 4 भारतीय एथलीट्स ने रजत पदक जीता वो हैं मीराबाई चानू साइखोम, संतोषी मातसा जिन्होंने ब्रॉन्ज जीतने वाली स्वाति सिंह के नए कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी की, रवि कुमार काटुलू और विकास ठाकुर। वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट रहे हैं सुखेन डे, संगीता चानू खुमुकचम और सतीश कुमार शिवलिंगम। दिल्ली 2010 में अंतिम पदक बैडमिंटन से आए थे। साइना नेहवाल वो कहानी फिर से लिखने के लिए यहाँ नहीं थी, लेकिन उनके साथ ही तो थे। कल अंतिम दिन बैडमिंटन में फिर स्वर्ण पदक मिला। शटल और रैकेट के बीच की रस्साकशी के गवाह शाहिद अनवर। सांसें थम रही थी, रोमांच शिखर पर था, सस्पेंस की इंतहा के बीच उम्मीदें आसमान छू रही थी। मेन सिंगल्स के फाइनल के तीसरे गेम में जैसे ही पारुपल्ली कश्यप 19 के मुकाबले 21 पर पहुंचे, उनके साथ साथ एमिरेट्स एरिना स्टेडियम और सारा देश खुशी से झूम उठा। 1982 के बाद भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इतने बड़े गेम्स में गोल्ड जीतना, ड्रीम में ही आता है ये सब, पोडियम में खड़े रहना और अभी नेशनल एंथम, आई डोंट नो, आई कांट बिलीव इट। मेन सिंगल्स में पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के गुरु साई दत्त को कांस्य पदक से भी संतोष मिला। एक्चुअली मेरा चांस मिस हो गया था कल सेमीफाइनल में, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट ब्रॉन्ज एंड आई एम ऑन द पोडियम एंड रियली हैप्पी फॉर दैट। फाइनल दो भारतीयों के बीच होता तो और भी बेहतर होता, ऐसा भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद ने माना। इट्स अ ग्रेट मोमेंट आई थिंक फॉर बैडमिंटन। आई विश वी हैड सीन एन ऑल इंडिया फाइनल हियर, दैट वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स, बट लिटिल सैड दैट इट कुडंट हैपन, बट नॉनदरलेस आई थिंक गुरु वन ए ब्रॉन्ज हियर। सभी की निगाहें भारतीय वुमेन्स डबल्स पर लगी थी। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा फॉर्म में चल रही थी और पिछले राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 की डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन मलेशिया की जोड़ी खेई वेई वुन और विवियन का सुन हु के इरादे कुछ और ही थे। भारत को सीधे 2 गेमों में 21-17, 23-21 से हरा कर स्वर्ण पदक जीता। ज्वाला ने माना कि दबाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सका। आई थिंक मेरे तरफ से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है फर्स्ट गेम में, आई थिंक दैट वाज नॉट गुड,
and I should have controlled more better from the net. So I didn't do my job properly today. Ashwini Ponappa ko santosh hai rajat se bhi. I think I was a little too aggressive. I was getting irritated with myself, but despite that, I think it was pretty okay. It wasn't too bad. भारतीय बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन पर कोच मधुमिता बिष्ट कहती हैं। हम लोग पिछले बार भी चार मेडल आए थे अब दिल्ली में, इस बार भी चार मेडल आए, लेकिन पिछले बार हम दो गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज जीते थे और टीम में जीता था। इस बार थोड़ा सा मतलब हाँ डेफिनेटली हमारे बच्चों ने अच्छा करा है, प्लेयर्स ने अच्छा खेला है। वुमेन सिंगल्स में कनाडा की मिशेल ली ने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को सीधे दो गेमों में 21-14 21-7 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इतिहास खुद को दोहराता है और खेल भी। बात है हॉकी की, वो खेल जिसे हम ओढ़ते बिछाते हैं, जो हमारे डीएनए का हिस्सा है। पिछली बार दिल्ली 2010 में फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, ग्लासगो में भी यही हुआ, परिणाम भी वही, वहां भी हम स्वर्ण पदक नहीं पा सके थे और यहां भी। हाँ, हार का अंतर जरूर कम रहा। हॉकी की ये ड्रिबलिंग शिवेंद्र चतुर्वेदी के माइक के साथ। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बना ग्लासगो का नेशनल हॉकी सेंटर 20वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सबसे आखिर में तैयार हुए आयोजन स्थलों में से एक था और हॉकी के मुकाबले भी इस खेल मेले में अंतिम दिन ही अंजाम तक पहुंचे। पुरुष वर्ग में भारत ने वेल्स और स्कॉटलैंड को लीग मुकाबलों में हराकर बेहतर शुरुआत की थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से टीम पिछड़ गई, लेकिन सेमीफाइनल में प्रवेश के मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में कप्तान सरदारा सिंह की गैर मौजूदगी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में प्रवेश सुनिश्चित किया। खिताबी मुकाबले में चार बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 2010 की कहानी दोहराते हुए भारत को रजत पदक से संतोष करने पर मजबूर कर दिया। लीग मैच में हार के बावजूद दिल जीतने वाली सरदार सिंह की भारतीय टीम ने फाइनल में दमदार खेल दिखाया, लेकिन तेज तर्रार ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम पार नहीं पा सकी। भारत के रजत पदक के अभियान को शब्द देते हुए कप्तान सरदार सिंह, स्पेशली जो पहले 10-15 मिनट स्टार्ट थे उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं थी और मैं समझता हूँ कि स्टार्ट है जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वर्ल्ड नंबर वन है, तो हमारी लीग में इनके साथ मैच था, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर वन है और हमें इनसे काफी कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने गलतियां की हैं, नेक्स्ट जो अभी हमारा मेजर कंपटीशन आ रहा है उनको जाके वॉच करेंगे क्या गलतियां की, इस टूर्नामेंट में क्या अच्छी चीजें की है, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। महिला वर्ग में 2002 की स्वर्ण और 2006 की रजत पदक विजेता भारतीय टीम ने ऋतु रानी के नेतृत्व में संकल्प भरे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए करो या मरो के मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही भारतीय महिला टीम पदक की दौड़ से बाहर हो गई। 5वें स्थान के मैच में भारत ने मेजबान स्कॉटलैंड को शिकस्त देकर 2010 में 4 साल पहले के अपने प्रदर्शन को दोहराने में कामयाबी हासिल की। पिछले 4 खेलों से राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों के मुक्कों की धार पैनी हुई है और निशाने भी लगातार पदक। इस बार घरेलू स्तर पर झंझावातों के बीच मुक्केबाज यहां पर पहुंचे, 10 में से 4 फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन सफर यहीं थम गया। बदकिस्मती ही थी कि चारों मुक्केबाज फाइनल में हार गए और रजत पदक ही मिल पाए उन्हें। मुक्केबाजी में लगातार हो रही दर्शकों की भीड़ के कारण फाइनल्स 7 के बड़े और नए स्टेडियम हाइड्रो में स्थानांतरित कर दिए गए थे और ये नया रिंग भारत के लिए शुभ साबित नहीं हुआ। सुबह लाइश्राम देवी से शुरू हुआ सिलसिला देर शाम विजेंदर सिंह तक एक ही सुर में बहता रहा, हार का सुर, लेकिन ये संतोष कि बॉक्सर पदक तो लाए, चांदी के हैं तो क्या हुआ। रेड कॉर्नर में विजेंदर खिलाफ थे ब्लू कॉर्नर में खड़े इंग्लैंड के एंटनी फाउलर के, विजेंदर को भी रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। सर मैंने कोशिश की लेकिन फाइनली इंग्लैंड का बॉक्सर काफी अच्छा था और शुरू से उन्हें अटैक पे रखा और मैं भी अटैक पे जा रहा था लेकिन मेरा गेम एडजस्ट नहीं हो पाया, ठीक है चलता है, इट्स पार्ट ऑफ गेम और कभी जीत कभी हार होती है। कोच जिया संधू कहते हैं पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा थी नंबर वन, नंबर टू जो हम हारते जा रहे थे उसका भी प्रभाव पड़ता है, जब एक बार जीत शुरू हो जाए तो हौसला ऊपर जा जाता है, इसी लय में ये लोग है थोड़ा बैग है। अगर इफ यू सी एट द लास्ट राउंड इट वाज कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ विजेंदर। कम अनुभवी मनदीप में बड़े मैचों का प्रेशर हैंडल करने का कौशल कम दिखा, बेस्ट दिया, बाकी शायद इससे भी अच्छा हो सकता था अगर मैं जैसे लास्ट राउंड खेला हूं, वैसे अगर मैं पहला खेलता तो टच भी नहीं होने देता। कोच जयदीप बिष्ट से हमने पूछा क्या कारण है। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन हमारा सबसे बड़ी बात है, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। महिला लाइट वेट में लाइश्राम देवी हारी ऑस्ट्रेलिया की शैली वॉट से, सिल्वर मेडल मिला मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं 2 साल ब्रेक के बाद ओनली 4 मंथ ट्रेनिंग करके आया है। देवेंद्र लाइट फ्लाईवेट वर्ग में हारे, हाँ अभी संतुष्ट है लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी उसी साथ जो हारा हुआ था तो फिर दोबारा हारा, इसका मतलब है मेरे की और ज्यादा मेहनत करना है। भारत 4 रजत पदक 1 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा, इंग्लैंड उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मुक्केबाजों का जलवा रहा। एथलेटिक्स स्पर्धाओं की रानी है, स्पर्धाओं की रानी के आंचल में भारत के लिए क्या कुछ था,
ये बता रहे हैं सेवियो नरोना। The athletics events at the 20th edition of the Commonwealth Games were held at the historic Hampden Stadium in Glasgow, which has been acknowledged as one of the world's best facility for track and field events. And yes, it also did attract athletes from among the best in the world spread across the Commonwealth. Vikas Shivegowda made a billion Indians proud when he clinched the gold medal in the men's discus throw. Vikas spoke to All India Radio minutes after his golden victory. And I threw 63-69 in Delhi with perfect conditions, and today with the rain and cold weather, to throw almost the same distances shows how far I've come in the last 4 years. India had a taste of silver when Seema Punia won the second place in the women's discus throw event with a throw of 61.61 behind Dani Samuels of Australia. बहुत टाइम के बाद ये परफॉर्मेंस आई, ओलंपिक्स के टाइम भी मैं फिट थी, नहीं आ पाई। अभी भी मैं इतनी खुश नहीं हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में 64-65 की मैंने, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम बैक हुआ, दोबारा से मेडल आया। Nigeria got a taste of a rare individual double gold when Blessing Okabare exploded on the track and clinched the women's 100 meter and 200 meter events. In the men's 100 meter sprint, Kemar Bailey Cole kept Jamaica's flag flying high as he led the way to a 1-2-3 finish in the men's 200 meters. In the women's 10,000 meters, Kenya made a clean sweep, winning all the three medals. The highlight on the final day of the athletics event were the 4x100 relays for men and women, where a stunned Hampden Park saw Jamaica break the game's record and make memories to last a lifetime. The fastest man on earth, Usain Bolt, who anchored Jamaica to victory, spoke to All India Radio soon after their sprint. It was a good run. The team came out, they mean business, and they came out and they did well, so I'm happy that they came out and ran well. For me, I've taken a step at a time. I've World Championships in Beijing, so after that I'm going to move on and I'm just going to look forward to that. इन खेलों का अंतिम स्वर्ण पदक स्क्वैश में आया, ऑस्ट्रेलिया के पास गया। स्क्वैश में भारतीय दल ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस दर्शनीय खेल में भारतीय दस्तक की गूंज धीमे धीमे बढ़ती ही जा रही है। पहली बार भारतीय राष्ट्रगान की धुन स्क्वैश के मैदान में बजी। खास रिपोर्ट के साथ एन वासु। इन स्क्वैश टू गोल्ड मेडल्स वेर अप फॉर ग्रैब्स टुडे द लास्ट डे ऑफ द 20th कॉमनवेल्थ गेम्स। इन द मिक्स्ड डबल्स फाइनल Australian veteran David Palmer with Rachel Grincham beat the English pair to become the most decorated squash player in the history of the games. Before the Glasgow Games, the 38-year-old Australian had won 2 silver and 4 bronze medals in Commonwealth Games. In the mixed doubles bronze medal match, first seed and defending champions Cameron Pillay and Casey Brown of Australia defeated second seeded pair Martin Knight and Jolly King of New Zealand. Score 8-11, 11-9, 11-8. After dropping the first, the Australians came back into the game, which lasted more than 75 minutes. In the men's doubles, David Palmer, partnering with Cameron Pillay, defeated the English team to claim his second gold in this game. In the bronze medal match in this category, England team defeated Scotland. इन खेलों में तैराकी का स्तर विश्व स्तरीय है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड सभी तो हैं यहाँ। ऐसे में भारतीय उम्मीदें कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी भारतीय तैराकों ने अपने तई कोशिश तो की ही। तरणताल में उठे छपाकों का जायजा महेंद्र सिंह लालस से। पूल में हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलियाई तैराकों का दबदबा रहा। 19 स्वर्ण, 21 रजत, 17 कांस्य पदक यानी खाली तैराकी स्पर्धाओं में 57 पदक। ऑस्ट्रेलिया की एमा मैकॉन ने इन खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते। इंग्लिश तैराक 10 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर इन स्पर्धाओं में दूसरे स्थान पर रहे। 100 मीटर पैरा स्पर्धा S9 में ऑस्ट्रेलियाई तैराक रोवन क्रोदर्स ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रशांता कर्माकर इस स्पर्धा में चौथे स्थान पर फिसल गए। मेरा मेन इवेंट आप लोगों को बताइए, मैं 50 मीटर इवेंट करता हूँ। इस बार 50 मीटर मिला नहीं मुझे, 100 मीटर किया। सो 50 मीटर एंड 100 मीटर इज वेरी डिफरेंट। ऑल्दो आई ट्राई टू क्लॉक नेशनल रिकॉर्ड, आई थिंक दिस इज नेशनल रिकॉर्ड बना है हमारा। साइकिलिंग भी अंतिम दिन तक चलती रही। सेवियो नरोना की रिपोर्ट। इन वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग इवेंट्स ऑफ द फाइनल डे, द मेंस रोड साइकिलिंग इवेंट वाज एन अट्रैक्शन। देयर वर क्वाइट अ फ्यू इंडियंस इन द फ्रे, बट ऑल ऑफ देम डिड नॉट फिनिश द रेस, व्हिच वाज अ ग्रूलिंग 168 किलोमीटर्स। लीजी आर्मिटेज ऑफ इंग्लैंड वन द विमेंस रोड साइकिलिंग रेस, व्हाइल जेराइन थॉमस ऑफ वेल्स वाज अ सरप्राइज विनर इन द मेंस रेस। आई स्पोक टू हिम सून आफ्टर ही क्रॉस्ड द फिनिश लाइन। आई न्यू आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू कॉर्नर्स आफ्टर दैट आई कुड गो अराउंड प्रीटी फास्ट, यू नो, सेम एज एवरीबॉडी एल्स। सो And I wanted to catch him by surprise because those two are fast guys, and I just don't have any acceleration at the minute. I'm just a massive diesel engine, so I needed to go early and try and get a gap. And sorry, cycling's a growing sport in India. Could you say something to cycling fans? And... Well, I think it's a great games for, you know, India and, you know, all the smaller sort of cycling nations to come and race against, you know, all of us, you know, some professionals and things. And I think it's a great games to.
सेल्टिक पार्क में जादुई शुरुआत हुई थी तो कल हैम्पटन पार्क में हुआ समापन समारोह दिल के हर नाजुक हिस्से को छूकर गुजरा। पिछले 12 दिनों की यादों को खिलाड़ियों ने फिर जिया, ग्लासगो की शानदार मेहमान नवाजी के लुत्फ का धन्यवाद दिया तो खुशी की संस्कृति के नगर ग्लासगो ने एक बार फिर अपनी समृद्ध परंपरा विरासत के द्वार सबके लिए खोल दिए। ग्लासगो ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया जिनकी वजह से ग्लासगो 2014 का सपना साकार रूप ले सका। सबसे पहले थैंक यू कहा एथलीटों को जो आज देश के झंडे तले नहीं राष्ट्रमंडल की छांव तले थे, सब आपस में एक मेक। और उसके बाद थैंक यू कहा शहर के कामगारों को, एक लंबी फौज जो पर्दे के पीछे रही, जुटी रही, अनथक परिश्रम करती रही ताकि हम यानी एथलीट सिर्फ और सिर्फ अपने बढ़िया प्रदर्शन के बारे में ही बात करें और सोचें। और फिर धन्यवाद कहा वॉलंटियर्स को, करीब 15,000 के आसपास वॉलंटियर्स, वो स्वयं सेवक जो स्वयं को भूल सिर्फ सेवा में लगे रहे दिन रात लगातार 24 घंटे। मैदान में टेंटों की श्रृंखला थी जिनमें बैठे हुए थे एथलीट, सबके सब एक साथ बाहर निकले और पूरा का पूरा मैदान खेलमय हो गया। बैंड की थाप पर, ढोल की धुन उसके थाप पर जो है एकदम से हवा में उठाया और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हाथों में अपने अपने देश के झंडे लिए हुए तमाम खिलाड़ी स्कॉटलैंड से लेकर भारत तक का ध्वज हम दूर तक देख पा रहे हैं। 71 देश और 71 देशों के सभी खिलाड़ी अपने अपने हाथों में अपने राष्ट्र ध्वज लिए हुए हवा में लहराते हुए, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे दोस्ती की मिसाल अपने आप में है, बेमिसाल बाकमाल, और उसी का दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड द हैंडिंग ओवर द फ्लैग इज वेरी सिंबॉलिक, इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ व्हाट Royal Highness Prince Imran called the greatest Commonwealth Games ever. It's the end of the 20th Commonwealth Games and time now to prepare for the 21st Commonwealth Games. So the show must go on. इस दौरान राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो के चेयरमैन माइकल कैनावा और अध्यक्ष लॉर्ड स्मिथ भी थे और कॉमनवेल्थ की ओर से आए थे हिज रॉयल हाइनेस अर्ल ऑफ वेसेक्स। राष्ट्रमंडल फेडरेशन की ओर से थे फेडरेशन के अध्यक्ष प्रिंस इमरान। आई होप यू एंजॉय टुनाइट्स क्लोजिंग सेरेमनी एंड एज वी से फेयरवेल अंटिल वी मीट अगेन वंस मोर ऑन द गोल्ड कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2018। ग्लासगो प्योर डिड ब्रिलियंट। इसके बाद खेलों का झंडा झुकाया गया पूरे सम्मान के साथ औपचारिक परंपरा को निभाते हुए। ये झंडा प्रतीक है खेलों के शाश्वत होने का, खेलों की सुप्रीमेसी का। झंडा सौंपा गया अगले मेजबान गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद अगले मेजबान गोल्ड कोस्ट की बारी थी। 14 मिनट की प्रस्तुति की, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भविष्य की झलक दिखाई। सच ही है खेल आदमी को आदमी होना सिखाते हैं, ये पाठ ग्लासगो 2014 ने भी खूब सिखाया बल्कि कुछ ज्यादा ही शिद्दत से, क्योंकि इसमें स्कॉटिश लोगों की खास अंदाज की मेजबानी का रंग भी मिल गया था। स्कॉटिश लोगों की सरल हृदयता, खुशरंग स्वभाव, जीवन को उत्सव जैसा मानने की परंपरा और उनके चेहरे की मुस्कान, हर खिलाड़ी अपने हृदय पर इसकी ऐसी छाप लेकर जा रहा है जो ता उम्र अपनी जगह पर चस्पा रहेगी। मन में विछोह लेकिन चेहरे पर सफलता की चमक, जीत की खुशी को समोते हुए, हार के रंज से बाहर आने की कोशिश करते हुए, जी संतोष लिए हुए कि हार जीत अपनी जगह, खेलना ही सर्वोपरि है, खेलना ही वो है जो हासिल है, जमा पूंजी है और ये जमा पूंजी कभी खत्म नहीं होगी। अलविदा ग्लासगो 2014, फिर मिलेंगे गोल्ड कोस्ट में और तब तक दिल में खेलों की लौ जला कर रखिए। आगे दीजिए आकाशवाणी की ग्लासगो स्थित 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की कवरेज टीम को। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014। तकनीकी सहयोग नीरज कुमार श्रीवास्तव, आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक, निर्देशक कुलविंदर सिंह कांग। You were just listening to a report based on 20th Commonwealth Games Glasgow, Scotland. अभी आप सुन रहे थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतिस्पर्धाओं पर आधारित रिपोर्ट।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।